शर्ली, बर्ली और कर्ली नाम के तीन भेड़ भाई थे। वो लोग एक खूबसूरत से भूसे के बने घर में रहते थे। एक दिन एक बदमाश भेड़िया उनके घर के पास रहने आया। ये देखकर तीन भेड़ भाई डर गए। सबसे बड़े भाई ने कहा, वो भेड़िया किसी भी वक्त हम पे हमला कर सकता है, हमें तैयार रहना होगा, ये घर हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। दोनों भाइयों ने बात मानी, इसलिए उन्होंने एक मजबूत घर बनाने की सोची। उन्होंने जल्द ही अपना नया घर बना लिया। वो बेहद आकर्षक और मजबूत था। एक दिन वो भेड़िया उनके घर की ओर आया ताकि वो तीन भेड़ियों को अपना भोजन बना सके। उसने दरवाजा खटखटाया पर दरवाजा खुला नहीं। तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं कूद के उछल के दरवाजा तोड़ के अंदर आके तुम्हें खा लूंगा, भेड़िया चिल्लाया। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटा, अपने सर से भी दरवाजे को मारा पर कोई असर नहीं हुआ। वो अब निराश होने लगा पर हार मानने को तैयार नहीं था। वो घर की छत पर चढ़ गया और चिमनी से घुसने की कोशिश करने लगा। लेकिन तीनों भेड़ भाई बहुत ही चालाक थे और उस भेड़िये से बचने की तैयारी कर रखी थी। उन्होंने भट्टी में लकड़ियां डालकर आग जला कर रखी थी। वो भेड़िया चिमनी से कूदा और सीधे भट्टी में जल रहे आग में जाकर गिर गया। तीनों चतुर भेड़ों ने उस बदमाश भेड़िये को मात दे दी। सारांश, अच्छी योजना बना के कोई अपने सबसे शक्तिशाली दुश्मन को भी मात दे सकता है। एक दिन शाम को एक बिल्ली और लोमड़ी बैठकर बातें कर रहे थे। ये शिकारी कुत्ते बहुत बुरे हैं, मुझे पसंद नहीं, लोमड़ी ने कहा। हाँ सही कहा तुमने, मुझे भी वो पसंद नहीं है, बिल्ली ने जवाब दिया। ये कुत्ते बहुत तेज हैं, लेकिन मुझे यकीन है वो लोग मुझे पकड़ नहीं सकेंगे। मुझे बचने के कई तरीके आते हैं, मैं आसानी से बच जाऊंगा, लोमड़ी ने कहा। तरीके? कैसे तरीके? बिल्ली जानने के लिए बहुत उत्सुक थी। बहुत सारे तरीके हैं, लोमड़ी ने गुरूर से कहा। मैं कांटों वाले पौधों पर से गुजर सकता हूँ, झाड़ियों के पीछे छुप सकता हूँ या गड्ढों में भी छुप सकता हूँ, लोमड़ी इतराया। ये सब कर सकते हो? बिल्ली ने मासूमियत से पूछा। हाँ, और मैं तुम्हें कोई भी तरीका नहीं सिखाने वाला, ये तरीका सिर्फ बुद्धिमान पशुओं के लिए है जैसे कि मैं, लोमड़ी ने गुरूर से कहा। मुझे तो बस एक ही तरीका आता है, बिल्ली थोड़ी उदास हो गई। अचानक उन्होंने शिकारी कुत्तों के आने की आवाज सुनी। अब मैं अपने तरीके का इस्तेमाल करके खुद को बचाऊंगी। अब देखती हूँ तुम खुद को कैसे बचाते हो। ये कहकर बिल्ली जल्द ही पास के पेड़ पर चढ़ गई। लोमड़ी ने अपने सारे तरीके आजमा लिए पर सब व्यर्थ रहे। शिकारी कुत्तों ने उसका शिकार करके उसे खा लिया। कई सारे गुणों को थोड़ा सीखने से अच्छा है किसी एक में निपुण होना। एक बार एक पेड़ के नीचे से एक लोमड़ी गुजर रहा था। उसने एक डाल पे देखा एक मुर्गा बैठा हुआ है। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। ये तो मेरे लिए बढ़िया भोजन होगा, लोमड़ी ने सोचा। लेकिन उस लोमड़ी को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। उसे किसी तरह उस मुर्गे को पेड़ से नीचे उतारना पड़ेगा। उसने ऊपर मुर्गे की ओर देखा और विनम्रता से कहा, मेरे प्यारे मित्र, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। क्या खबर है? मुर्गे ने पूछा। मैं भगवान का भेजा दूत हूँ। आज के बाद कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं खाएगा। हम सब दोस्त हैं।
नीचे आओ, मिलके जश्न मनाते हैं। चतुर मुर्गे ने जवाब दिया, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हमारे प्रिय मित्र शिकारी कुत्ते को भी बुला लेना चाहिए। देखो वो आ रहे हैं। ये सुनकर लोमड़ी बेहद डर गया। जब वो वहाँ से भागने वाला था तो मुर्गे ने उससे पूछा, तुम डर क्यों रहे हो? क्या हम सब अब दोस्त नहीं हैं? मगर उन शिकारी कुत्तों को शायद अब तक ये पता नहीं होगा। ये कहकर वो लोमड़ी जितना तेज दौड़ सकता था उतना तेज दौड़ के निकल गया। चालाक लोगों से हमेशा बच के रहे। एक बार एक कौवे को पनीर का एक बड़ा टुकड़ा मिला। कौवे ने उसे अपनी चोंच में लिया और उड़ के पेड़ पर बैठ गया ताकि आराम से उसका मजा ले सके। जैसे ही वो बैठा, एक भूखा लोमड़ी वहां पहुंचा। जब लोमड़ी ने वो पनीर का टुकड़ा देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वो पनीर बड़ा स्वादिष्ट और आकर्षित लग रहा है, लोमड़ी ने कहा, लेकिन मैं उसे खाऊं कैसे? उसने सोचा। अचानक उसके दिमाग में एक युक्ति सूझी। लोमड़ी ने कौवे को बड़े प्यार और सम्मान से बुलाया, मोहतरमा। अरे ओ मोहतरमा, मैंने सुना है कि आपकी आवाज बड़ी सुरीली है, क्या आप मेरे लिए एक गाना गा सकती हैं? उसने पूछा। लेकिन कौवा लोमड़ी से कहीं ज्यादा चालाक था। वो उसकी छुपी हुई मंशा समझ गया। उसने ध्यान से पनीर का टुकड़ा अपनी चोंच से निकाला और अपने पैर के नीचे रख दिया। फिर उसने तंज के भाव से कहा, आ, आ, मैं गाने के लिए तैयार हूँ, तुम सुनोगे ना? लोमड़ी की चतुराई काम न आई। उसने उत्तर नहीं दिया और चुपचाप वहाँ से निकल गया। इसका सारांश, चापलूसों से बच के रहे। तेज हवा चल रही थी, मानो जैसे सीटी बज रही हो, ऐसी आवाज आ रही थी। इसके कारण एक छोटा सा खरगोश जो जंगल में रहता था बहुत डर गया। ये आवाज कितनी डरावनी है, मैं यहीं पर छुप जाता हूँ। वो जाके अपने गड्ढे में छुप गया जो आम के पेड़ के नीचे था। अचानक से उसने एक जोर की आवाज सुनी और डरा हुआ खरगोश कूद के अपने गड्ढे से बाहर निकला। वो जोर से चिल्लाने लगा और जितना तेज हो सके वो दौड़ने लगा। रास्ते में सियार ने उस डरे हुए खरगोश को भागते देखा। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम भाग क्यों रहे हो? खरगोश ने घबराते हुए कहा, तुमने वो डरावनी आवाज नहीं सुनी क्या? आसमान गिर रहा है, भागो! वो फिर से दौड़ने लगा। ये सुनकर सियार भी दौड़ने लगा और उन्हें दौड़ता देख दूसरे जानवर जैसे कि जिराफ, हाथी, हिरण और घोड़ा भी दौड़ने लगे। ये सारी अफरा तफरी सुनकर शेर राजा अपनी गुफा से बाहर आया। तुम सब भाग क्यों रहे हो, क्या हुआ है? सब ने एक साथ जवाब दिया, आसमान गिर रहा है। शेर हैरान रह गया, ये तुमसे किसने कहा? उसने जानना चाहा। खरगोश आगे आया लेकिन बुद्धिमान शेर ये मानने को तैयार नहीं था। उसने खरगोश से कहा कि वो उसे उस जगह पर ले जाए जहां आसमान गिरा है। खरगोश शेर और बाकी जानवरों को आम के पेड़ के पास ले गया, पर उन्होंने वहां क्या देखा? एक बड़ा सा आम जमीन पर गिरा हुआ है। सारे जानवरों को अब समझ आया कि क्या हुआ था। वो खरगोश की बातें मानने पर शर्मसार महसूस कर रहे थे। कोई भी बात मानने से पहले उसकी पूरी तरह जांच कर ले। एक दिन हर बार की तरह एक लकड़हारा अपने काम पर जा रहा था। जब वो नदी पार कर रहा था तो गलती से उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। मेरी कुल्हाड़ी। वो बहुत गरीब था, इसलिए नई कुल्हाड़ी नहीं खरीद सकता था। मेरी कुल्हाड़ी खो गई, मेरी कुल्हाड़ी।
उसका रोना सुनकर एक परी उसके सामने प्रकट हो गई। मत रो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आती हूँ। वो परी पानी में से एक सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। नहीं नहीं, ये मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की बनी थी। नहीं नहीं, ये भी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की बनी थी। वो परी फिर से पानी में गई और लकड़हारा की लोहे की कुल्हाड़ी लेकर वापस लौटी। मुझे मेरी कुल्हाड़ी मिल गई। ओ परी, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। परी उसकी सच्चाई से बहुत खुश हुई और उसने उसकी ईमानदारी पर उसे सोने की और चांदी की दोनों ही कुल्हाड़ी दे दी। सच बोलने से हमेशा अच्छा फल मिलता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक टोपी बेचने वाला था। एक दिन जब वो कुछ टोपियां बेच चुका था, वो बहुत थक गया। He became very tired. उसने एक बड़े पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के बारे में सोचा और जल्द ही उसे नींद भी आ गई। उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर थे। उन्होंने देखा वो टोपी बेचने वाला पेड़ के नीचे सो रहा है। ए दोस्तों, वो रंगीन टोपियां तो देखो। और सारे बंदर नीचे उतर आए। टोपी वाले की टोकरी से टोपियां ली और उन्होंने पहन ली। फिर वो दोबारा पेड़ पर चढ़ गए। जब टोपी वाला जागा तो वो अपनी टोकरी खाली देखकर चकित रह गया। मेरी टोपियां कहां गई? मेरी टोपियां कहां गई? वो देखकर हैरान रह गया कि बंदरों ने उसकी टोपियां पहन रखी थी। हे बंदरों, वापस करो मेरी टोपियां, वापस करो। तुम्हें अपनी टोपियां चाहिए? उसने अपनी टोपियां वापस लेने की एक युक्ति सोची और उसने अपनी टोपी हवा में उछाल दी। ये देखकर बंदरों ने भी अपनी टोपियां हवा में उछाली। फिर उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी। बंदरों ने भी अपनी टोपियां जमीन पर फेंक दी। ये हुई ना बात। फिर टोपी वाले ने सारी टोपियां अपनी टोकरी में डाली और खुशी खुशी वहां से निकल गया। गुड बाय। युद्ध के शस्त्रों से ज्यादा बुद्धि का बल बेहतर होता है। एक दिन एक भूखे भेड़िये को एक बड़ा सा मरा हुआ जानवर दिखा। वाह, ये तो मेरा भरपूर भोजन होगा, भेड़िये ने सोचा। उसने तुरंत आक्रमण किया और जल्दी जल्दी खाने लगा। वो भेड़िया इतनी जल्दबाजी में था कि खाते वक्त एक हड्डी का टुकड़ा उसके गले में फंस गया। भेड़िये ने बहुत कोशिश की उस हड्डी को निकालने की, पर बुरी तरह असफल रहा। लालची भेड़िये ने हड्डी को निगलने तक की कोशिश की ताकि वो बाकी का खाना खा सके, पर फिर भी सफलता नहीं मिली। आखिरकार वो एक सारस के पास गया जो नदी के पास रहता था। उसने सारस से कहा, खाते वक्त एक हड्डी मेरे गले में अटक गई। मेरी विनती है कि उसे तुम अपने लंबे चोंच से निकाल दो। कर सकोगे? मैं वादा करता हूँ इसकी तुम्हें अच्छी कीमत मिलेगी। सारस मान गया। भेड़िये ने अपना मुंह बड़ा सा खोला और सारस ने अपनी चोंच अंदर डाली। सारस की चोंच बड़ी होने की वजह से उसने बड़ी आसानी से भेड़िये के गले से हड्डी निकाल दी।
हड्डी सफलतापूर्वक निकालने के बाद सारस ने कहा, अब मेरे सेवा की कीमत दो मुझे। बदमाश भेड़िया हंसा। कीमत तुम्हारी सेवा के लिए? मेरा शुक्रिया मानो कि मैंने तुम्हें तुम्हारा सर मेरे मुंह से निकालने दिया। सारांश, किसी दुष्ट इंसान के वादे पर कभी विश्वास मत करना। एक बार एक चरवाहा लड़का था। वो रोज अपने भेड़ों को लेकर पहाड़ पर चरने चला जाता था। एक दिन वो बहुत ऊब रहा था, इसलिए कुछ मस्ती करना चाहता था। वो चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया कोई मदद करो। खेतों में काम कर रहे किसानों ने उस लड़के की आवाज सुनी और वो उसकी मदद करने के लिए पहाड़ पर भागे। कहाँ है भेड़िया, कहाँ है भेड़िया, उन्होंने पूछा। आसपास भी देखा लेकिन उन्हें कोई भेड़िया नजर नहीं आया। किसानों ने उसे ऐसी बदमाशी करने से मना किया और वो वहाँ से चले गए। लेकिन लड़का तो माना ही नहीं, उसने फिर से वैसा ही मजाक किया। मदद करो। इस बार किसानों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, अगर दोबारा ऐसा कुछ किया तो हम बचाने नहीं आएंगे। ऐसा बोलकर वो चले गए। अगले दिन लड़का जो मजाक में बोल रहा था वो सच में हो गया। वहाँ सही में एक भेड़िया आ गया। लड़का पेड़ पर चढ़ गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा, भेड़िया आया है, भेड़िया आया है, भेड़िया बचाओ बचाओ, यहाँ भेड़िया आया है। लेकिन अफसोस कोई बचाने नहीं आया। भेड़िये ने एक एक करके सारे भेड़ मारकर खा लिए। लड़का कुछ नहीं कर पाया, बस असहाय होकर देखता रहा। झूठ कभी न बोले। एक बार आप झूठे साबित हो जाओ तो कोई आपकी बात नहीं मानेगा। एक दिन एक लोमड़ी खाने की तलाश में भटक रहा था। कुत्तों के एक झुंड ने उसे देखा और उसका पीछा किया। वो लोमड़ी अपनी जान बचाकर भागा। जब वो लोमड़ी बचकर भाग रहा था तब वो गलती से नीले रंग के डिब्बे में जा गिरा और जब तक कुत्ते नहीं गए वो वहीं पे छिपा रहा। ओह, बड़ी मुश्किल से जान बची, आश्वस्त लोमड़ी ने खुद से कहा। वो धीरे से बाहर आया और जंगल की ओर भागा। जब वो लोमड़ी जंगल में जा रहा था रास्ते में उसे दूसरे जानवर मिले। सारे जानवर उसे देखकर डर गए। उसे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। वो बहुत देर तक चलता रहा और जाकर जंगल के तालाब के किनारे पहुंच गया। जब वो पानी पीने झुका तो उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। है? ये क्या है? उसका पूरा शरीर नीले रंग का हो गया था। अब उसे समझ में आ गया। चालाक लोमड़ी ने अब एक बेहतरीन युक्ति बनाई। उसने अपने सारे मित्रों को बुलाया और कहा, मैं ऊपर वाले का भेजा हुआ दूत हूँ। आगे चलकर मैं तुम्हारा राजा बनूंगा, मुझसे मत डरो। सभी जानवरों ने उस अजीब दिखने वाले जानवर की बात मान ली और उसे राजा बना दिया। लोमड़ी जंगल का राजा बनकर आराम की जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन उसने दूसरे लोमड़ियों की आवाज सुनी। अरे वाह, ये कितना अच्छा गरज रहे हैं, मैं भी ये करना चाहता हूँ। लोमड़ी खुद को रोक न पाया और बाकियों की तरह गरजने लगा। उसकी आवाज सुनकर बाकी के जानवरों को अब समझ में आ गया कि ये अजीब सा दिखने वाला जानवर कौन था। उन्होंने उसे बहुत पीटा और जंगल से बाहर खदेड़ दिया। एक बार की बात है, बहुत सारे चूहे एक किराने की दुकान में रहते थे। वो बड़े खुश थे दुकान की सारी चीजें खाकर। वाह, बहुत लजीज है। लेकिन वो दुकानदार खुश नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि इनके उपद्रव को रोकने के लिए एक बिल्ली लानी पड़ेगी। आ,
महज कुछ दिनों में बिल्ली बहुत सारे चूहे खा गई। इसके चलते बाकी के चूहे डर गए। वो अब पहले की तरह सुखी जिंदगी नहीं जी पा रहे थे, इसलिए चूहों ने तुरंत बिल्ली से बचने के उपाय के लिए एक सभा बुलाई। हमें उस बिल्ली से छुटकारा पाना होगा, चूहों ने निर्णय लिया। लेकिन कैसे? एक चूहे ने उपाय सुझाया। अगर किसी तरह से जब बिल्ली हमें खाने आती है हमें पता चल जाए तो शायद हम खुद को बचा सकेंगे। और एक होशियार चूहे ने उपाय सुझाया। अगर हम उसके गले में एक घंटी बांध ले तो। वाह, ये तो बेहतरीन सुझाव है। सारे चूहों ने एक साथ उत्तर दिया। उन्होंने उस छोटे चूहे की बहुत तारीफ की। लेकिन तभी एक बुजुर्ग चूहा खड़ा हुआ और उसने पूछा, रुक जाओ, सब खुशी मनाने से पहले सोचो कि बिल्ली को घंटी कौन पहनाएगा। सारे चूहे शांत रह गए। कोई भी बिल्ली को घंटी नहीं पहनाना चाहता था। काल्पनिक समाधान उद्देश्य पूरा नहीं कर सकते। एक घने जंगल में चार गाय रहती थी। वो आपस में बहुत ही अच्छी दोस्त थी। वो हमेशा साथ में चारा खाना खाने के लिए जाया करते थे। वो जहां भी जाते थे साथ में ही जाते थे। उन लोगों की एकता की वजह से ही कोई भी जंगल का जंगली जानवर उनके आसपास आने की हिम्मत नहीं कर पाता था। बहुत दिनों से जंगल के एक शेर की नजर इन चारों गायों पर थी। वो हमेशा से यही चाहता था कि इन्हें अपना भोजन बनाए। ये सेहतमंद गायें कितनी स्वादिष्ट होंगी। पर जब भी उसने कोशिश की उन लोगों ने उसे मिलकर भगा दिया, क्योंकि वो एकजुट होकर हमला करते थे। कई दिन बीत गए। एक दिन उन गायों में बड़ा झगड़ा हुआ। मुझसे बात मत करना। तुम भी मुझसे बात मत करना। मैं अब इस झुंड में नहीं रहना चाहता। मैं भी नहीं रहना चाहती। इतना कहकर चारों गायें अलग अलग दिशाओं में चली गईं। शेर ने इस मौके का फायदा उठाया। आखिरकार वो दिन आ ही गया। ये सब देखकर वो वहां से चला गया। उसने एक एक करके हर एक गाय पर हमला किया और उन्हें खा गया। एकता में ही शक्ति है, अनेकता में दुर्गति। एक बार की बात है, नदी के किनारे एक पेड़ था। उसके एक शाखा पर एक कबूतर रहता था। एक दिन जब वो कबूतर डाल पर बैठा था, उसने एक चींटी को नदी के पानी में डूबते हुए देखा। वो चींटी मदद के लिए पुकार रही थी। कबूतर को बेचारे चींटी की हालत पर दया आ गई। उसने तुरंत एक पत्ता तोड़ा और चींटी के पास जाकर रख दिया। चींटी जल्द से जल्द उस पत्ते पर चढ़ गई। फिर उस कबूतर ने उस पत्ते को उठाकर जमीन पर रख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय कबूतर दोस्त, मैं तुम्हारे ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, चींटी ने कहा। एक दिन जब वो कबूतर एक डाल पर बैठकर आराम कर रहा था, वहाँ एक शिकारी आ गया। उसने उस कबूतर को देखा और अपने तीर कमान से उस पर निशाना साधा, और चींटी ये सब देख रही थी। ओ, मेरा दोस्त मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। वो धीरे से शिकारी के पास गई और उसके पैर को जोर से काट लिया।
शिकारी चिल्लाया, उसके हाथ से तीर छूट गया और निशाना चूक गया, जिससे कबूतर बच गया। शिकारी के चिल्लाने से कबूतर सतर्क हो गया और एक सुरक्षित स्थान पर जाकर छिप गया। इस तरह चींटी ने भी कबूतर को बचा लिया। अच्छे कर्म का बदला हमेशा अच्छे कर्म से ही चुकाया जाता है। एक बार एक भेड़िये ने एक मेमने को उसके झुंड से उठा लिया और भाग गया। जब वो उस मेमने को मारने वाला था, तब मेमने ने कहा, हुजूर, आप चाहो तो मुझे मार डालो, लेकिन मारने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? हैरान होकर भेड़िये ने पूछा और मेमने ने कहा, मैंने सुना है कि आप बांसुरी बहुत अच्छा बजाते हैं, क्या आप कृपया मेरे लिए एक धुन बजा सकते हैं? मैं चैन से मरना चाहती हूँ। भेड़िया खुश हो गया, उसने बांसुरी निकाली और बजाने लगा। जब वो रुका तो बुद्धिमान मेमने ने कहा, ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, क्या आप थोड़ा जोर से बजा सकते हैं? बेवकूफ भेड़िये को मेमने की युक्ति समझ में ही नहीं आई। हाँ बिल्कुल, मैं और जोर से बजा सकता हूँ। ये कहकर वो बांसुरी और जोर से बजाने लगा। बांसुरी की आवाज सुनकर चरवाहा और उसके कुत्ते सतर्क हो गए और बिना समय गवाए जहाँ वो भेड़िया था वहाँ वो पहुँच गए। कुत्तों ने भेड़िये को दूर भगा दिया और मेमने को बचा लिया। चतुर मेमना अब आजाद था और खुशी खुशी जाकर अपने झुंड में लौट गया। मुसीबत के समय में दिमाग ठंडा रखना चाहिए। बहुत वक्त पहले एक राजा रहता था जिसे शिकार करने का बहुत शौक था। लेकिन राजा का ये शौक जंगल के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। मुश्किल से जंगल में कोई जानवर बचा था। उसने राज्य के प्रधानमंत्री को चिंता में डाल दिया और उन्होंने राजा को इस समस्या का ज्ञात करवाने की सोची। एक दिन रोज की तरह राजा शिकार पर निकले अपने प्रधानमंत्री के साथ। रास्ते में उन्होंने देखा कि तोतों का एक झुंड जोर से चहक रहा है। क्या आप जानते हैं वो लोग क्या बातें कर रहे हैं? राजा ने पूछा। प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया, जी हुजूर, वो लोग अपने परिवार में होने वाली शादी के बारे में बात कर रहे हैं। लड़के के पिता को 5 खाली जंगल चाहिए और लड़की के पिता ने 10 खाली जंगल देने का वादा किया है। लेकिन कैसे? राजा ने पूछा। प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया, लड़की के पिता ने कहा कि बहुत सारे जंगलों में पशु पक्षी खत्म हो जाएंगे क्योंकि राजा को शिकार का बहुत शौक है। राजा को अचानक से एहसास हुआ कि मंत्री किस ओर इशारा कर रहे थे। वो अपनी हरकतों पर शर्मिंदगी महसूस करने लगे। उन्होंने वचन दिया कि वो दोबारा कभी शिकार नहीं करेंगे, जानवरों के प्रति उदार रहे, जिए और जीने दे। एक दिन गर्मी के दोपहर में एक चूहा अपने बिल से बाहर आया और देखा कि एक सांड पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा है। उसके जोर के खर्राटों ने चूहे की उत्सुकता बढ़ा दी। वाह, इसके नथने कितने बड़े हैं? चूहा आश्चर्यचकित होके बोला और अपने मजे के लिए उसमें घुस के बाहर निकल आया। सांड दर्द के मारे नींद से जाग गया और चीखने लगा। ये सुनकर चूहा घबरा गया और वहां से भागने लगा। हाँ, 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 हाँ,
सांड बहुत तेजी से भागकर भी उसे पकड़ न पाया। चूहा अपने बिल में चला गया, लेकिन वो सांड हार मानने को तैयार नहीं था। उसने गुस्से से कहा, मूर्ख चूहे, तूने मुझे क्यों जगाया? अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। ओ महान सांड, मुझे क्षमा कर दो, मैं तो मस्ती कर रहा था, चूहा बोला। पर उस सांड का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने गुस्से से जाकर दीवार पर अपने सर से मारा, इस उम्मीद पर कि दीवार टूट जाएगी और वो चूहे को पकड़ लेगा। वो मारता रहा मारता रहा, लेकिन दीवार नहीं टूटी। ओ बुद्धू सांड, सिर्फ बड़े और ताकतवर होने का ये मतलब नहीं कि तुम हर चीज हासिल कर लोगे। अपना सर पटकना बंद करो और जाओ यहाँ से। चूहे ने मजाक उड़ाया। सांड को चूहे की बात से सच्चाई का अनुभव हुआ और वो चुपचाप लौट गया। बल का प्रयोग हमेशा सही नहीं होता। एक घने जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। वो बाकी पेड़ों जैसा नहीं था। उसकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी थीं, पत्ते पीले गंदे थे और तना भी टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन उसके आसपास के बाकी के पेड़ बहुत ही ऊंचे और शानदार थे। बाकी सबसे वो कद में काफी छोटा था और वो कभी खुद से खुश नहीं था। उसे बाकी के पेड़ों से हमेशा जलन होती थी। देखो मुझे, पेड़ ने कहा, मैं कितना कुरूपी हूँ, मेरा तना और शाखा कैसे टेढ़ी मेढ़ी है। काश इन बाकी के पेड़ों जैसा मैं भी सुंदर होता। एक दिन एक लकड़हारा जंगल में आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए आ गया। ओह, ये ऊंचे पेड़ों की लकड़ियां अच्छी हैं। इन्हें पहले काटता हूँ। ये कहकर उसने उनमें से कुछ ऊंचे और सुंदर पेड़ काट दिए। जब उसने कुछ पेड़ काट लिए तो वो उस कुरूपी पेड़ के वहां पहुंच गया और उसे गौर से देखने लग गया। इस पेड़ में कुछ गड़बड़ है, और वैसे भी इसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं मेरे किसी काम की नहीं है। मैं इसे काट कर अपना समय व्यर्थ नहीं करूं तो अच्छा है। लकड़हारे ने कटी हुई लकड़ियां उठाई और वहां से चला गया। उस पेड़ की जान में जान आ गई। अब तक वो सोचता था कि वो कुरूपी है, लेकिन अब उसके उसी बात ने उसे बचा लिया था। सारांश, जो आपके पास है उसमें खुश रहो। एक गांव का चूहा और एक शहर का चूहा बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन गांव के चूहे ने शहर के चूहे से कहा, चलो आज मेरे घर चलते हैं। शहर का चूहा ये बात खुशी खुशी मान गया। गांव का चूहा उसे पैदल पैदल अपने घर तक लेकर गया और उसे अलग अलग तरह के फल और बादाम दिए। उन्होंने आराम से बैठकर वहां अपना अपना खाना खाया। लेकिन शहरी चूहा कुछ वक्त बाद वहां का सादा खाना खाकर ऊब गया। उसने कहा, ये कैसी उबाऊ जिंदगी है, मेरे साथ शहर आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरी जिंदगी कितनी अच्छी है। गांव के चूहे ने तुरंत उसका न्योता स्वीकार कर लिया। अब दोनों दोस्त शहर की ओर जाने लगे। शहरी चूहे ने अपने दोस्त को अपने घर बुलाया। एक बड़ी रसोई वाला बड़ा घर था। उसने गांव वाले चूहे को खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन दिए, जैसे केक्स, बिस्किट्स, ब्रेड्स। वो जैसे ही खाने के लिए बैठे, उन्होंने घर की मालकिन के पांव की आवाज सुनी। वो जल्दी से एक बिल में घुस गए। थोड़ी देर बाद वो अपने बिल से निकले और फिर से खाना खाने बैठ गए। इस बार उन्होंने घर की बिल्ली की आवाज सुनी।
जैसे ही उसकी आवाज सुनी वो दोनों डर कर फिर से बिल में भाग गए। गांव के चूहे को ये सब बड़ा अजीब सा लगा। उसने शहरी चूहे से कहा, तुम कैसी जिंदगी जी रहे हो? शांति से बैठकर खाना भी नहीं खा सकते। मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं वापस जा रहा हूँ। ये कहकर बुद्धिमान गांव का चूहा अपने घर की ओर वापस लौट गया। दुनिया की हर धन दौलत हमेशा खुशी नहीं दे सकती।